स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। इसके पहले दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिए हार्मोन और ग्रंथियों के सीरीज पढ़ रहे थे, और इसी क्रम में आज मैं आपके लिए ऐसी सीरीज लाया हूं, ऐसा टॉपिक लाया हूं जहां से पीसीएस की परीक्षा में 101% क्वेश्चन पूछता है। सो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि एक ऐसा विषय है जहां से लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की परीक्षा में निरंतर क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं। तो हमें आज यहां पर यह देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं और उन प्रश्नों को कैसे हम बहुत आसानी से हल कर ले जाएं। दोस्तों यहां से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि 4S ग्रंथि किसे कहते हैं, या फिर 3F हार्मोन कौन सा है, कार्टिसोल हार्मोन का कौन सा वर्क होता है, या एक्चुअली में एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन होती कहां पर है। फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम और पोटेशियम और सोडियम को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, या फिर जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करते वक्त दौड़ते समय निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है, या जब हम संकट में होते हैं तो संकट के समय निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। हम इसको इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि यहां से आने वाले प्रश्नों को बहुत ही आराम से कर ले जाए। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द क्लास, आइए देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसे हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, और अधिवृक्क ग्रंथि क्यों कहते हैं इसका भी एक रीजन है, और इसे भी दोस्तों हम इसी में पढ़ेंगे। तो अधिवृक्क ग्रंथि, या इसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, और इसे ही हम कहते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड। ये सभी नाम अधिवृक्क ग्रंथि के ही हैं। सुप्रारिनल क्यों कहते हैं, या एड्रिनल क्यों कहते हैं, या अधिवृक्क क्यों कहते हैं, दोस्तों सारे पॉइंट्स आपको मैं इसी बताऊंगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अधि मतलब आधा, वृक्क मतलब किडनी पर, तो कहां होती है, आधा ये किडनी पर होती है, आधा ये वृक्क पर होती है। पहले मैं यहां से आने वाले प्रश्नों की बात कर लूं। इस ग्रंथि को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, है ना, इस ग्लैंड को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, या यहां से निकलने वाले हार्मोन को भी हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, या यहां से निकलने वाले हार्मोन को हम संकटकालीन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यहां से निकलने वाले हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों में या संकट से लड़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। इसे इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से निकलने वाले हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों में निकल करके संकट से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यहां से निकलने वाले हार्मोन को हम लाइफ सेविंग यानी कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे हार्मोन है जो आपातकालीन परिस्थितियों में रुकी हुई हार्ट बीट को, रुकी हुई हृदय की धड़कन को चालू कर देते हैं, तो हार्ट बीट को भी मेंटेन करते हैं, जनरेट करते हैं, इनको लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। सबसे बेसिक पॉइंट दोस्तों, यहां से जो एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड को एक विशेष नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है, वो नाम है 4S। इस ग्लैंड को हम 4S क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं इसको हम 4S क्यों कहते हैं। फ्रेंड्स एक होता है 1S, ये 2S, 3S एंड 4S, तो इसको हम लोग कहते हैं 4S। अगर हम यहां पर चारों S की बात करें तो एक S से क्या होता है, शुगर, यानी कि शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, करती है ग्लैंड, और एक S से क्या होता है, सॉल्ट, यानी कि ये सॉल्ट यानी कि सोडियम की मात्रा को भी यह मेंटेन करने वाली ग्रंथि है। और फ्रेंड्स एक होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, तनाव, क्लियर, या फिर सेक्स। सो फ्रेंड्स ये तनाव और सेक्स हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है, या इसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी या जो ग्रंथि है ये एनर्जी का सोर्स भी है। और एनर्जी का सोर्स कैसे है, ये कैसे ग्लूकोज का निर्माण करती है, या फिर क्या होती है, ग्लूको
मियोसिस की क्रिया क्या होती, बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। तो 4S का तात्पर्य क्या होता है, फोर्स S, तो सुगर सॉल्ट स्ट्रेस सेक्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हम 4S ग्लैंड भी कहते हैं। अभी मैं आप सभी से वन लाइनर या वन डे एग्जाम्स में बनने वाले प्रश्नों की बात कर रहा हूं, या देखे यही से क्वेश्चंस बन जाता है कि 3F क्यों कहते हैं, तो यहां से निकलने वाले हार्मोन को हम 3F हार्मोन भी कहते हैं, तो 3F हार्मोन क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीजन है। 3F हार्मोन फ्रॉम एफ एफ एंड एफ, तो इन्हें 3F क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीजन है। आइए देखते हैं कि इन्हें 3F क्यों कहते हैं। फ्रेंड्स, एक होता है फियर यानी कि डर के समय निकलते हैं हार्मोन ये, एक होता है फाइट यानी कि लड़ते समय एनर्जी देते हैं ना, फियर फाइट एंड फ्लाइट यानी कि डरो मत लड़ो और उड़ो, डरो मत मारो और भागो। तो इस यहां से निकलने वाले हार्मोन को हम 3F हार्मोन भी कहते हैं, यहां से निकलने वाले हार्मोन को हम जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, या यहां से निकलने वाले हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। दोस्तों, तो बहुत सारे नाम हैं, ये सब पे मैं डिस्कस करूंगा आप सभी से। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहां होती है, एड्रिनल ग्लैंड एक्चुअली में कहां प्रेजेंट होती है। तो देखेंगे कि अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड कहां होती है, ये है किडनी, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रिक एंड ऐसे दोस्तों हमारी ब्रिक, हमारा ब्रिक होता है, और ब्रिक के यानी किडनी के जस्ट ऊपर, ठीक, किडनी के जस्ट ऊपर कोनिकल, कोनिकल का मतलब यह है शंकु के आकार की या पिरामिड के जैसी, कोनिकल ये ग्लैंड होती है। तो आकार क्या होता है, पिरामिड की तरह होता है, इसका जो आकार है पिरामिड की तरह होता है, शंकु के आकार की होती है और एलोइस कलर में होती है, पीले रंग की ये ग्रंथि है, और इस ग्रंथि के चारों ओर संपुट पाए जाते हैं, ठीक, इसमें क्या होते हैं, चारों तरफ संपुट पाए जाते हैं, कैप्सूल पाए जाते हैं, इस तरह से ऐसी ग्लैंड्स होती है। और इस ग्लैंड्स के सबसे बाहरी वाले भाग को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसके अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, एड्रिनल मेडुला कहते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर पार्ट है, उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहेंगे, ठीक है, जो आउटर पार्ट इसका होता है, सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये बाहरी वाला इसका पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक, ये आउटर पार्ट होता है इस ग्लैंड का, और इस ग्लैंड के इनर पार्ट को जो सबसे अंदर होता है, इस ग्लैंड के इनर पार्ट को हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला होता है। एक भाग हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक क्या हो गया, एड्रिनल मेडुला। ध्यान दीजिएगा, जो आउटर पार्ट है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, वलकुट इसको बोलते हैं, जो इनर पार्ट इसका होता है वो एड्रिनल मेडुला का होता है। अगर हम बात करें इसमें, तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो टोटल एड्रिनल ग्लैंड का 80% पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, कितना होता है 80% पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यानी अधिवृक्क ग्रंथि का 80% पार्ट क्या होता है, यही होता है कॉर्टेक्स होता है। तो हम कह सकते हैं कि 80% पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। और अगर हम बात करें एड्रिनल मेडुला की, तो एड्रिनल मेडुला इज 10-20% पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यानी ये होती है लगभग 10-20% भाग होती है अधिवृक्क ग्रंथि का, और 80% भाग क्या होता है, ये केवल कॉर्टेक्स होता है। अगर कॉर्टेक्स की बात करें, देखिए 1-2-3 लेयर होती है कॉर्टेक्स की, 3 लेयर होती है, और बीच में क्या है, बीच में होता है एड्रिनल मेडुला, यानी जो मेडुला होता है वो चारों तरफ कैप्सूल से घिरा होता है, और उन कैप्सूल्स को क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। आइए थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में।
तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है, सबसे पहला पॉइंट बनता है इसकी स्थिति। तो मैंने पहले दिखा दिया आपको कहां पर स्थित है, लेकिन हम कह भी सकते हैं कि किडनी के ऊपर। कहां स्थित है ये? किडनी के ऊपर, अपर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर ये स्थित है। और इसको हम क्या कहते हैं, किडनी के ऊपर स्थित होने के कारण इसको हम सुप्रा रीनल कहते हैं, इसे हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। जस्ट किडनी के ये ऊपर होती है, अपर साइड में होती है। फिर बात करते हैं कलर की। देखिए मैं यहां पे येलो कलर से मैं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, एलोविश होता है। तो इसका कलर जो होता है वो एलोइस होता है। पीले रंग की ये ग्लैंड होती है। अगर बात करें हम इसके शेप की, तो शेप आप देख रहे होंगे बिल्कुल पिरामिड की तरह होता है, कॉनिकल होता है, शंकु के आकार का होता है। अगर बात करें इसी में हम आगे इसके, इसका वेट कितना होता है, इसका वजन कितना होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में कभी कभी वेट भी पूछ लेता है। तो आप बताओगे 4 ग्राम टू 6 ग्राम, तो इसका वेट होता है वो 4 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक होता है। यानी वेट तो बहुत ही कम होता है, लेकिन इसका कार्य बहुत गंभीर होता है। ठीक है, वजन में बहुत कम होती है, लेकिन कार्य बहुत गंभीर करती है। देखिए तो इसका वेट कितना है, 4 ग्राम से 6 ग्राम है। और ध्यान देना इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर दोस्तों कैप्सूल्स होते हैं, एक आवरण होता है, उस आवरण से घिरी होती है, उस आवरण को हम संपुट कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। इस बात का ध्यान देना जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट का, इसका जो कंट्रोल होता है, इसका कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। क्लियर, इसका कंट्रोल कहां होता है, इसका कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना यहां जो हिस्सा होता है एड्रेनल का, जो एड्रेनल का हिस्सा होता है, उस एड्रेनल के हिस्से को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं करती, बल्कि इसको कंट्रोल करती है जो हमारे शरीर के अंदर हमारा एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको हम कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर जहां पर इसको कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहीं पर क्वेश्चन बनता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर किसका नियंत्रण नहीं होता, तो ध्यान देना अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला भाग पर पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल नहीं होता, बल्कि इसको कंट्रोल करने वाला भाग कौन सा होता है। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पश्च मस्तिष्क में, यानी हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है जो हमारा तंत्रिका तंत्र है। नर्वस सिस्टम 3 प्रकार का होता है, पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक होता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 प्रकार का होता है, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिंपैथेटिक। तो ध्यान देना जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है एड्रेनल मेडुला को। तो हम कह सकते हैं कि अनुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होती, कंट्रोल होती है। और इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला भाग क्या होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस क्या करता है, सिंपैथेटिक को भी कंट्रोल करता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला भाग एड्रेनल मेडुला को कंट्रोल करता है, और यही शरीर की ऐसी ग्रंथि का भाग है जिस पर पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो हमने कंडीशंस देख ली, मेडुला क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, इसको देख लिया। आइए हम समझते हैं इनसे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, या किस हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, या किस हार्मोन के हाइपो सिक्रेशन से क्या होता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। एड्रेनल ग्लैंड, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे अभी आपने देखा इसके 2 भाग बनाए गए, एक एड्रेनल कॉर्टेक्स और एक एड्रेनल मेडुला। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला, या इनसे निकलने वाले, इनसे सिक्रेट होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, यही अब चर्चा करनी है। तो पहला जो हमने भाग बनाया था, इसका जो पहला भाग हमने ड्रॉ किया था, उसको हमने कहा था एड्रेनल कॉर्टेक्स। इसके पहले वाले भाग को बताया गया आप सभी से कि एड्रेनल कॉर्टेक्स, और इसका दूसरा भाग क्या था, इसका दूसरा भाग था एड्रेनल मेडुला। ठीक, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला, तो इसके 2 भाग हैं। यहां परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं, हमें उस आधार पर पढ़ना है
कि किस तरह से क्वेश्चंस यहां से आए और बहुत आसानी से उनको हम कर ले जाएंगे। ध्यान रहे, मैंने पहले भी कहा है कि पीसीएस की परीक्षा में यहां से क्वेश्चंस जरूर आते हैं और उन प्रश्नों को हमें आसानी से पढ़ने के लिए इसको पहले आसानी से पढ़ना पड़ेगा। अगर इसको हम आसानी से पढ़ ले जाएंगे तो यहां से आने वाला कोई भी क्वेश्चंस हमारे क्लासरूम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो दोस्तों ध्यान देना कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं इन हार्मोन को हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। क्लियर, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन कहते हैं या इनको हम कॉर्टिस्टेरॉइड कहते हैं। आप तो पता होगा कि स्टेरॉइड में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये हार्मोन कुछ न कुछ कोलेस्ट्रॉल की तरह या कुछ न कुछ स्टेरॉइड की तरह कार्य करते हैं जो हमारे जैविक क्रियाओं को बहुत ही तेजी से एक्साइट कर देते हैं या फिर उत्तेजित कर देते हैं। तो यहां से निकलने वाले हार्मोन को हम कॉर्टिकॉइड्स भी कह सकते हैं, कॉर्टिस्टेरॉइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ध्यान देना, यहां से श्रावित हार्मोन, यहां से सीक्रेट होने वाले हार्मोन को कॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोइड्स या कॉर्टिस्टेरॉइड, कॉर्टिकोइड या कॉर्टिस्टेरॉइड्स कहते हैं। और इसको कॉर्टिकोइड्स या कॉर्टिस्टेरॉइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है दोस्तों, इनमें होता है कोलेस्ट्रॉल, इस बात का ध्यान देना। और अगर बात करें यहां से सीक्रेट होने वाले हार्मोन की, तो यहां से कुल मिलाकर के 40 से 50 प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन होता है। बट 40 से 50 प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन भले से होता है, यहां से 7 से 8 प्रकार के हार्मोन ही एक्टिव रह पाते हैं, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो कुल 40 से 50 हार्मोन, हम कह सकते हैं कि कुल हार्मोन की संख्या कितनी होती है, 40 से 50 हार्मोन, 40 से 50 हार्मोन, बट ओनली 7 to 8 हार्मोन आर एक्टिव इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओनली 7 to 8 हार्मोन आर एक्टिव। कुल हार्मोन 40 से 50 होते हैं, लेकिन 7 से 8 प्रकार के हार्मोन ही यहां एक्टिव रह पाते हैं, और हमें उन 7 से 8 प्रकार के हार्मोन पर ही चर्चा करनी है, या इसके अतिरिक्त हमें एक्स्ट्रा यहां पे कुछ नहीं जानना है, इस बात का ध्यान देना। तो आइए हम देखते हैं कि यहां से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और यहां से जो हार्मोन निकलता है, लगभग 3 प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन यहां से होता है। अगर हम बात करें पहले हार्मोन की, तो पहला होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। देखिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ऐसा हार्मोन है जो मिनरल्स को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर, या किडनी के ऊपर होता है ना ये ग्लैंड्स, तो किडनी में क्या करता है, मिनरल्स को मेंटेन करता है, मिनरल को संतुलित करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें एल्डोएस्टेरोन एक मेन प्रमुख हार्मोन होता है। अगर हम इसके बाद बात करें, तो यहां से एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और दोस्तों इस बात का ध्यान देना, हमारे शरीर में या किडनी में क्या होता है, एक ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया द्वारा ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। अभी हमने पढ़ा था 4S सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी भी प्रदान करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, जिसमें कि प्रमुख रूप से बहुत ही फेमस या बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है कार्टिसोल। ध्यान देना, कार्टिसोल का बहुत महत्व है, अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। एंड फ्रेंड्स, यहां से फाइनली जो हार्मोन निकलते हैं वो होते हैं सेक्स हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन के बारे में कौन कौन से होते हैं, तो जैसे एस्ट्रोजन होता है या एंड्रोजन होता है, या इसके अतिरिक्त यहां से निकलने वाले हार्मोन होते हैं जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। हालांकि
ये तीनों सेक्स हार्मोन बहुत ही कम क्वांटिटी में यहां से सिक्रेट होते हैं। ये हार्मोन प्लेसेंटा से भी निकलते हैं, टेस्टिस और ओवरी से निकलते हैं। मेल और फीमेल के ऑर्गेन अलग अलग होते हैं जहां से ये हार्मोन निकलते हैं। बस बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में एड्रेनल ग्लैंड से भी सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है। यही पॉइंट हमको यहां पर पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहां पर जो पहला हार्मोन निकलता है फ्रेंड्स, पहले हार्मोन का नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। यानी जो यहां पर पहला हार्मोन निकलता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एक बार पढ़ लेंगे दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा यहां पर होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड जो तीसरा वाला होता है उसे हम कहते हैं सेक्स हार्मोन। ये तीनों प्रमुख हार्मोन है जो जो सिक्रेट होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स वाले भाग से। इन सभी के बारे हमें अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की, तो यहां जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है एल्डोएस्टेरोन। क्या नाम है? एल्डोएस्टेरोन। ठीक है, इस हार्मोन का नाम है एल्डोएस्टेरोन। और ध्यान देना, इस हार्मोन, यह हार्मोन जो होता है ना, जो सॉल्ट होता है उस सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि क्या करता है, जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, उस सॉल्ट की मात्रा को, या हम कह सकते हैं सोडियम की मात्रा को, यह कंट्रोल करता है, नियमित करता है, निगमन करता है। तो यह सोडियम की मात्रा का नियमन करता है, इसे सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह सॉल्ट को बैलेंस करता है। तो यहां पर आप समझने के लिए पॉइंट को लिख देंगे, छोटा सा पॉइंट, सॉल्ट बैलेंस, बैलेंसिंग का कार्य करता है। तो क्या करता है? ये सॉल्ट बैलेंस करता है। इसको हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, हमारी किडनी में, हमारे ब्लड में सॉल्ट को बैलेंस करता है। क्लियर? आप देखें फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में क्या होता है, यहां पर होता है कार्टिसोल हार्मोन। कार्टिसोल हार्मोन का बहुत सारा वर्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी या हार्ट बीट संबंधी दोस्तों बहुत सारे कार्य ये कौन करता है, ये करता है कार्टिसोल। और प्रमुख रूप से ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज मेंटेन होता है। और ग्लूकोज मेंटेन का कार्य कौन करता है, ग्लूकोज को मेंटेन का करने का कार्य करता है कार्टिसोल। ठीक दोस्तों, ध्यान देना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या इसको हम कह सकते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का उपापचय। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का कार्य कौन करता है, ये करता है कार्टिसोल। अभी ध्यान देना, अभी मैं केवल इसका परिचय दे रहा हूं, इसका फुली कॉन्सेप्ट बाकी है अभी। अब हम बात करेंगे सेक्स हार्मोन की। तो यहां से जो सेक्स हार्मोन निकलते हैं वो तीन हार्मोन प्रमुख हैं। पहला कौन सा होता है? पहला दोस्तों होता है एस्ट्रोजन। पहला होता है एस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन है, इस बात का ध्यान देना, ये फीमेल ग्रोथ हार्मोन है, महिलाओं में होने वाली सभी जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनको यह प्रदर्शित करता है, तो इसको एस्ट्रोजन कहते हैं। और देखिए इसके बाद जो अगला हार्मोन दोस्तों, तो क्या होता है, अगला हार्मोन है एंड्रोजन। ये फीमेल, ये मेल हार्मोन है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाला हार्मोन पुरुषों में होता है एंड्रोजन। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद होता है प्रोजेस्टेरॉन। इस हार्मोन को हम कहते हैं गर्भधारण करने वाला हार्मोन। तो ये फीमेल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। यहां से कुल मिलाकर के तीन प्रमुख हार्मोन का स्राव होता है। एंड फ्रेंड्स, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन भी एक हार्मोन होता है जो कि प्रसव में सहायक है। रिलैक्सिन हार्मोन को हम पढ़ेंगे टेस्टिस और ओवरी वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो ये हो गया सेक्स हार्मोन। तो दोस्तों, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में या मिनिमम क्वांटिटी में सिक्रेट होते हैं हमारे एड्रेनल ग्लैंड से। एंड फ्रेंड्स, ध्यान देना, ये निकलते हैं ओवरी और टेस्टिस से प्रमुख रूप से। और इन हार्मोन को जो स्राव होता है वो प्लेसेंटा से भी होता है बहुत कम मात्रा में।
कि ये हार्मोन प्लेसेंटा से भी निकलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल के प्लेसेंटा से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्लियर। तो यहां से ये हार्मोन निकलते हैं, इस बात को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पे इतने हार्मोन निकल गए हैं। अब मैं बात करूंगा आप सभी से एड्रिनल मेडुला की। अगर एड्रिनल मेडुला की बात की जाए तो एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं प्रमुख रूप से। सबसे पहली बात यह, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो एड्रिनल मेडुला होता है इसका कंट्रोल कौन करता है? इसे कंट्रोल करता है हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, और इस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला भाग क्या होता है? वो होता है हाइपोथैलेमस। तो इसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप संज्ञान में रखिएगा। क्लियर। आप देखिए बात करेंगे अगर एड्रिनल मेडुला की, तो यहां से प्रमुख रूप से दो हार्मोन निकलते हैं, और इन्हीं हार्मोन को हम एक्चुअली में थ्री एफ हार्मोन कहते हैं। पहला होता है दोस्तों जिसका नाम है एपिनेफ्रिन, पहला होता है एपी, तो पहला हार्मोन कौन सा है? पहला हार्मोन है एपिनेफ्रिन, ठीक है, या इसको हम कहते हैं एंड्री नेलिन हार्मोन, इसी को हम कहते हैं एंड्री नेलिन हार्मोन, ठीक है। तो पहला हार्मोन कौन सा है? एपिनेफ्रिन, या इसी को हम कहते हैं एंड्री नेलिन हार्मोन, और दूसरा हार्मोन जो यहां से निकलता है उसे हम कहते हैं नार एपिनेफ्रिन, उसे हम कहते हैं नार एपिनेफ्रिन, और नार एपिनेफ्रिन या इसी को हम कहते हैं नार एंड्री नेलिन कहते हैं। तो नार एपिनेफ्रिन, ये दोनों ऐसे हार्मोन है जो संकट काल में प्रेशर जब होता है, दबाव होता है, तनाव होता है, स्ट्रेस के टाइम में सीक्रेट होते हैं और हमें तनाव से निकलने में सहायता देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रमुख हार्मोन है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। देखा, तो इतने हार्मोन का सीक्रेट होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड से। आइए देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से हार्मोन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या इन हार्मोन से कहां कहां से क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में दोस्तों आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से निकलने वाले पहले हार्मोन की, और पहला हार्मोन कौन सा है दोस्तों? पहला हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना। पहला हार्मोन कौन सा है? पहला हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स से कौन सा हार्मोन निकलता है? देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स से निकलता है एल्डोएस्टेरोन। तो इसका मतलब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एल्डोएस्टेरोन की, ठीक, एल्डोएस्टेरोन। तो एल्डोएस्टेरोन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है या क्या करता है? देखिए पहले मैंने कहा था कि ये सॉल्ट बैलेंस करता है, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है ये। तो किस प्रकार से सॉल्ट को बैलेंस करता है दोस्तों, ध्यान देना, ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हमारी किडनी हो गई, ये किडनी है, ठीक है ना। किडनी दोस्तों क्या होता है? यूरिन होता है। एक्चुअली में होता यह है कि इसका जो प्रमुख कार्य होता है, इसका प्रमुख कार्य होता है सोडियम और फॉस्फोरस की मात्रा, या सोडियम और फॉस्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना। तो इसका पहला फंक्शन क्या है? इसका पहला फंक्शन है सोडियम व फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करना। इसका पहला हार्मोन क्या है? सोडियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना, सोडियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करना। तो सोडियम और फास्फेट की मात्रा को कैसे नियंत्रित करेगा? देखिए जैसे यहां पर किडनी है, यहां दोस्तों क्या करेगा? किडनी में होता है नेफ्रॉन। किडनी में क्या होते हैं? किडनी में होते हैं नेफ्रॉन, और इन्हीं नेफ्रॉन से अपना फंक्शन दिखाता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों करता क्या है, इस नेफ्रॉन से यहां पर क्या है, ये मान लीजिए नेफ्रॉन है, ये करता क्या है? नेफ्रॉन से सोडियम को अवशोषित कर लेता है तथा पोटेशियम को क्या करता है? बाहर कर देता है, ठीक। जो सोडियम ब्लड में होता है वो करता क्या है? जो ब्लड में सोडियम होता है उसे नेफ्रॉन के द्वारा अवशोषित कर लेगा, ठीक है। नेफ्रॉन के थ्रू क्या करता है? ब्लड में उपस्थित सोडियम को अवशोषित कर लेता है, और यहां जो फास्फोरस होता है,
या पोटेशियम होता है, फॉस्फेट या पोटेशियम को क्या करता है, ये बाहर कर देता है। फॉस्फेट या पोटेशियम को क्या करता है, ये बाहर कर देता है। ठीक है, तो पोटेशियम या फिर फॉस्फेट को क्या करता है, ये बाहर कर देता है। ठीक है ना, तो ध्यान देना कैसे नियंत्रित किया, इसने नेफ्रान से सोडियम को अवशोषित किया ब्लड के अंदर से, और नेफ्रान में उपस्थित पोटेशियम और फॉस्फेट को बाहर किया ब्लड से। इस प्रकार से क्या करता है, ये सोडियम पोटेशियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, इस बात का ध्यान देना। और दोस्तों इसके अतिरिक्त इसका एक प्रमुख कार्य और होता है, और वह कार्य क्या है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना। ठीक, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब, ये ऐसा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित भी करता है, कौन करता है, यही हार्मोन करता है। ठीक है ना, तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना इसी हार्मोन का कार्य होता है। क्लियर, तो ध्यान देना सोडियम फॉस्फेट या सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को यह नियंत्रित करता है, और इसके अतिरिक्त यह हमारे ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। अब यदि मान लीजिए इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए, यानी इसका अतिस्राव हो जाए, तो क्या हो सकता है, तो हम पॉइंट क्या बनाएंगे, हम पॉइंट बनाएंगे हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोएस्टेरोन। एल्डोएस्टेरोन के अतिस्राव से, हाइपर का मतलब होता है अति, तो इसके अतिस्राव से क्या हो सकता है, ये पॉइंट हमें जानना है। ठीक है ना, तो ध्यान देना एक रोग होता है जिस रोग को हम कहते हैं एल्डो, इसको कहते हैं एल्डो एस्टेरोइज्म कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं एल्डो एस्टेरोइज्म, एल्डो एस्टेरोइज्म कहते हैं, या डिजीज होता है इसमें, या दोस्तों इसको हम कांस रोग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कांस रोग के नाम से भी जानते हैं। अक्सर आपको पढ़ाया गया होगा कि किडनी से संबंधित रोग कौन सा है, तो कांस रोग है, और कांस रोग के बारे में आप इतना ही जानते हो, या बहुत सारे लोग होंगे जो कांस रोग के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे। तो दोस्तों ध्यान देना, कांस रोग के बारे में सारे पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर इसके सिम्टम क्या है। तो ध्यान देना, जब कांस रोग होता है तो क्या हो जाता है भाई, हाई बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। और दोस्तों हाई ब्लड वॉल्यूम ये भी प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। एंड ध्यान देना, सोडियम की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों सोडियम की मात्रा इसमें हाई होती है, सोडियम क्या होता है, हाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये सोडियम को पहुंचाता है, ठीक है ना, सोडियम को अवशोषित करता है, तो सोडियम इसमें क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और ध्यान देना, सोडियम हाई होता है और हम कह सकते हैं पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम लो हो जाएगा। क्लियर, तो सोडियम क्या होगा, सोडियम हाई हो जाएगा दोस्तों, और पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम लो हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो सोडियम हाई हो जाएगा और पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम लो हो जाएगा। जब सोडियम हाई होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारी किडनी होती है, जो हमारी किडनी होगी वो क्या करेगी, हमारी किडनी अधिक मात्रा में सोडियम को बाहर निकालेगी। जब अधिक मात्रा में सोडियम बाहर निकलेगा तो किडनी क्या होगी, किडनी डैमेज। तो इसमें दोस्तों किडनी डैमेज की प्रॉब्लम हो जाती है, यह बात ध्यान देना, यही कांस रोग है। तो किडनी डैमेज, तो कांस रोग के इतने सारे सिम्टम होते हैं, हाई बीपी, हाई ब्लड वॉल्यूम, सोडियम बढ़ जाना, पोटेशियम फॉस्फेट का कम हो जाना, या किडनी डैमेज, ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें हो जाती है। इसको हम कहते हैं कांस डिजीज कहते हैं, या इसको कहते हैं एल्डो एस्टेरोइज्म कहते हैं। दोस्तों इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना। देखिए, तो हम समझ गए कि एल्डो एस्टेरोन के हाइपर सिक्रेशन से कॉन्स डिजीज होता है, और ये सारे कॉन्स डिजीज के सिम्टम होते हैं। बहुत जगह आपको पढ़ाया गया होगा, बस केवल कॉन्स रोग होता है, इसके सिम्टम के बारे में पढ़ाया नहीं गया होगा,
ठीक है दोस्तों, ये हो गया हाइपरसिक्रेशन से होने वाले रोग। अब इसके हाइपोसिक्रेशन से यानी कि अल्पस्राव से क्या होता है, जस्ट इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वहां बताऊंगा कि इसके हाइपोसिक्रेशन से एक्चुअली में क्या होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दूसरा भाग होता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यहां से निकलने वाला हार्मोन क्या है, कॉर्टिसोल, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन। इसके बहुत सारे अच्छे वर्क है, अच्छे फंक्शंस हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। यहां से जो हार्मोन निकलेगा उस हार्मोन को हम कहेंगे कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक, तो यहां से निकलता है कॉर्टिसोल। सो फ्रेंड्स यहां से निकलता है कॉर्टिसोल हार्मोन, तो ध्यान देना, यहीं से बताया था मैंने आपको ग्लूकोनियोजिनेसिस की क्रिया होती है और यहां ग्लूकोज उत्पादन होता है, और ये ऐसा हार्मोन है जो हमारे हार्ट बीट्स को या आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को या ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को, दोस्तों इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को, या इसके अतिरिक्त दोस्तों जो हमारा हृदय संकुचित होता है तो हमारे हृदय के संकुचन को या किडनी के फंक्शन को, इन सभी को यही हार्मोन कंट्रोल करता है। सुना आपने, ग्लूकोज के निर्माण को, आरबीसी के निर्माण को, या हार्ट के सिस्टोल को, या फ्रेंड्स हम कहें किडनी के फंक्शन को, या हमारे बीपी को, इन सभी को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिसोल हार्मोन है। इसके पहले आपने केवल नाम सुना होगा, आज मेरे साथ सारे जो यहां पे सारे फंक्शन होते हैं उसको आप समझ जाओगे। तो दोस्तों ध्यान देना, पहला कार्य इसका क्या होता है, मैंने बताया कि ग्लूकोनियोजिनेसिस, तो ग्लूकोनियोजिनेसिस क्रिया को प्रेरित करता है। अब ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, तो ध्यान देना, इसमें होता यह है कि जो फैटी एसिड होते हैं, इस क्रिया में जो फैटी एसिड होते हैं वो फैटी एसिड ग्लूकोज में बदल जाते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो अगर ये बढ़ेगा तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ग्लूकोज का स्तर घटेगा, जाहिर सी बात है। तो ध्यान देना, ये कैसी क्रिया है, ये ऐसी क्रिया है जिसमें फैटी एसिड जो वसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। इसका मतलब यह है कि यह ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। तो यह क्या करता है, ग्लूकोनियोजिनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है, जिससे जो वसीय अम्ल होते हैं हमारे लीवर में या हमारे शरीर में, वो वसीय अम्ल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ध्यान देना, इसीलिए इसको हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। अगर परीक्षा में आएगा हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है, तो तुरंत क्या बताओगे आप, कॉर्टिसोल। तो इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। ये होता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, इसी का नाम है, क्लियर। एंड देखिए इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्या करता है, आरबीसी के निर्माण को, तो आरबीसी बनता है हमारे बोन मैरो में, तो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, यही वो हार्मोन है जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। एंड फ्रेंड ध्यान देना, जो हमारा कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टोल, इसको हम कहते हैं कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सिस्टोल, तो ये क्या करता है, कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम और किडनी के फंक्शन को भी, ठीक, तो हमारे सिस्टोल की क्रिया को भी और किडनी के फंक्शन को भी
इन दोनों क्रियाओं को संतुलित करता है या इन दोनों क्रियाओं को मेंटेन करता है, किडनी फंक्शन यानी मेंटेन द किडनी फंक्शंस। तो वैस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्ट एंड किडनी फंक्शन इन दोनों को मेंटेन करता है, दोनों को संतुलित करता है। या देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए एक बात सुन लीजिए, आप लोग हो सकता है पहली बार सुन रहे होंगे, जब किसी व्यक्ति का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई है और किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो जब किडनी का ट्रांसप्लांट होता है तो हमारी बॉडी किसी और व्यक्ति के किडनी को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उसको फॉरेन, हमारा जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी होते हैं वह उस व्यक्ति के किडनी को फॉरेन बॉडी मानते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए और हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो कोई मतलब नहीं बनेगा। होता यह है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, किसी और व्यक्ति की किडनी लगाई जाती है, यह वही हार्मोन है जो कुछ पल के लिए बॉडी के एंटीबॉडीज को, जो हमारे बॉडी में, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज हैं, उनको कुछ देर के लिए ब्रेकडाउन कर देता है। जब एंटीबॉडीज ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो ट्रांसप्लांट आसानी से हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी हेल्प करता है। बस इतना ही पॉइंट समझ लीजिए आप लोग, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्प करता है। तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्प करता है, और कैसे हेल्प करता है, ये एंटीबॉडी को कुछ देर के लिए एंटीबॉडी के फंक्शंस को ब्रेक कर देता है, जिससे ऑर्गन ट्रांसप्लांट आसानी से हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे कार्य हो गए, आइए देखते हैं कि इसके कमी से क्या होता है या इसके अल्प श्रवण से क्या होता है, ठीक है ना। चूंकि देखिए इसके भी कम स्राव से, और इसके पहले अभी हमने पढ़ा था एल्डोस्टेरोन, इन दोनों के स्राव से लगभग एक ही बीमारी होती है, और वह बीमारी हमें जानना है के अल्पस्राव, हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है, इसके अल्पस्राव से क्या होता है। तो आपने सुना होगा एक रोग के बारे में जिसका नाम है एडिसन, ठीक, क्या होता है इसमें एडिसन डिजीज होता है, एडिसन रोग होता है इसके कम स्राव से। अगर मैं बात करूं कि एडिसन रोग में क्या होता है, तो ध्यान देना, इसका जो पहला सिम्टम है सोडियम लेवल कम, क्लियर, और पोटेशियम लेवल हाई। तो भाई सोडियम लेवल कम हो जाएगा और पोटेशियम लेवल कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ऐसी प्रॉब्लम होगी तो देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा जो स्किन होगी, स्किन में ब्रॉन्ज पिगमेंट बन जाएंगे। ब्रॉन्ज का मतलब दोस्तों स्किन में धब्बे बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज पिगमेंट, ठीक। तो स्किन में क्या होंगे, ब्रॉन्ज पिगमेंट बन जाएंगे, जिससे त्वचा में धब्बे बन जाते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ध्यान देना सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी व्यक्ति को एडिसन रोग होता है तो एडिसन रोग के वक्त क्या होता है, देखिए जैसे हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होते हैं जो इन्फेक्शन को रोकते हैं, अगर एडिसन डिजीज हुआ तो एडिसन डिजीज के वक्त इन्फेक्शन से लड़ने की जो हमारी क्षमता है, इन्फेक्शन से लड़ने की जो हमारी क्षमता है, वो क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। तो इन्फेक्शन से लड़ने की जो हमारे अंदर क्षमता होती है वो घट जाती है। तो हम कह सकते हैं इन्फेक्शन के प्रति प्रतिरोधकता घट जाती है। तो ऐसा होता है एडिसन डिजीज में। बाकी इसमें और भी सिम्टम होते हैं, जैसे अगर बात करें हम वीकनेस की, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इस डिजीज में वीकनेस भी होता है, एंड इसमें क्या होता है, इसमें वोमिटिंग भी होती है। अगर कोई व्यक्ति जिसको ये हुआ है तो उसको क्या होगा, उसको वोमिटिंग भी होगी, यानी उल्टियां होती हैं। जब उल्टियां होंगी, दस्त होंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर उसकी बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और जब डिहाइड्रेशन होगा तो बॉडी में जल की कमी होगी, और जब जल की कमी होगी तो व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा।
यानी कि बहुत ही घातक रोग दोस्तों होता है, तो ध्यान देना, इसे हम एडिसन रोग कहते हैं। और एडिसन रोग कैसे हुआ? एडिसन रोग हुआ कार्टिसोल और या कह सकते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इसके पहले हमने पढ़ा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अल्पस्राव से, इसके सिक्रेशन में कमी से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इस बात को अच्छी तरह से आप ध्यान देना, ठीक है। तो दोस्तों हमारा एक हार्मोन और बचा यहां से, आइए देखते हैं कि कौन सा हार्मोन है या यहां से कौन कौन से पॉइंट्स आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर इनके जो यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इसके अतिस्राव से क्या होता है, यानी हाइपर सिक्रेशन से क्या हो सकता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के हाइपर सिक्रेशन से तो हम कह सकते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर कॉर्टिसोल के हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन से क्या हो सकता है। अगर देखिए इसके कम स्राव से सोडियम कम होगा, पोटेशियम बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इसके अधिक स्राव से क्रिया क्या हो जाएगी, यह क्रिया उल्टी हो जाएगी और जिसे हम कहते हैं कुशिंग डिजीज। तो प्रॉब्लम दोस्तों ध्यान देना, इसकी कमी से क्या होता है, इसके कम स्राव से कुशिंग डिजीज होता है, कुशिंग रोग होता है। कुशिंग रोग इसके पहले आपने जरूर सुना होगा, तो इसके कम स्राव से क्या होता है, कुशिंग रोग होता है। और कुशिंग रोग में क्या सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, तो पहला क्या होता है, सोडियम जो लेवल होता है, सोडियम लेवल बढ़ेगा, इसमें सोडियम लेवल हाई हो जाएगा और पोटेशियम लेवल क्या होगा, सोडियम लेवल हाई और पोटेशियम लेवल लो हो जाएगा। पोटेशियम लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जब पोटेशियम लेवल लो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, तुरंत बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे ही पोटेशियम लेवल लो होगा बीपी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर में क्या होगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। और ध्यान देना चेहरे पर क्या होगा, चेहरे पर असामान्य मोटापा, चेहरा पूरा गोल हो जाता है, शरीर पूरा गोल यानी कि मोटापा होता है। और इसी डिजीज में हम कह सकते हैं कि कूबर निकलने की समस्या, जिसको हम्प कहते हैं, ठीक है ना, इसी में हम्प निकल जाता है या कूबर निकल जाता है। कूबर यानी कि हम्प या फिर असामान्य मोटापा, ऐसी प्रॉब्लम इस रोग में होती है। तो ध्यान देना दोस्तों, अब जो तीसरा हार्मोन यहां से निकलने वाला है वो है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, यानी कि सेक्स हार्मोन। आइए देखते हैं कि सेक्स हार्मोन से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं या सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो आगे है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स यानी कि सेक्स हार्मोन। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स यानी कि सेक्स हार्मोन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मेल हार्मोन क्या होता है, एंड्रोजन होता है, और फीमेल हार्मोन दोस्तों यहां से क्या होता है, फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो दो हार्मोन यहां से निकलेंगे, आइए देखते हैं इन दोनों के बारे में यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान देना, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो ये हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन जो मेल हार्मोन है वो टेस्टिस से निकलते हैं और फीमेल हार्मोन ओवरी से निकलते हैं। क्लियर, मेन हार्मोन जो मेल हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है, ये वृषण से निकलते हैं और मादा हार्मोन निकलते हैं अंडाशय से, ओवरी से निकलते हैं। और मादा हार्मोन कुछ मात्रा में यह जो है प्लेसेंटा से भी निकलते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स निकलने वाले हैं ये किडनी से निकलते हैं, कि यह नर और मादा में समान रूप से सभी हार्मोन निकलते हैं। ये जो हार्मोन है ये नर और मादा में क्या होते हैं, समान रूप से सब में एक्सप्रेस होते हैं, फीमेल में भी और मेल में भी। यानी कि मेल के हार्मोन फीमेल में भी एक्सप्रेस होंगे, निकलेंगे, ठीक है ना, और फीमेल के हार्मोन मेल में भी एक्सप्रेस होते हैं, निकलते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है, होता यह है कि जो हार्मोन
फीमेल के होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन है, अगर एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा मेल में, तो जो मेल के ओवरी से निकलने वाला हार्मोन होता है वो हार्मोन इस हार्मोन को कम कर देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इसके बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले सेक्स हार्मोन मेल और फीमेल इन दोनों में सिक्रेट होंगे, यानी कि जो यहां पर तीनों हार्मोन निकल रहा है, चाहे एंड्रोजन हो, चाहे एंड्रोजन हो, चाहे एस्ट्रोजन, चाहे प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों हार्मोन तीनों मेल में भी सिक्रेट होंगे, तीनों फीमेल में भी सिक्रेट होंगे। लेकिन ध्यान देना, गोनैड, गोनैड क्या होता है? जनद, जैसे विषण या फिर ओवरी, तो ओवरी और टेस्टिस, टेस्टिस किस में होता है? मेल में, ओवरी फीमेल में। लेकिन गोनैड द्वारा इन हार्मोन को कम कर दिया जाता है, क्लियर। देखिए, कहने का मतलब यह है, जैसे एक होता है एंड्रोजन, यह भी मादा में निकलेगा जबकि यह पुरुष हार्मोन है, तो जो मादा का ओवरी होता है वो इस हार्मोन को खत्म कर देगा, यानी कि अधिवृक्ष से निकलने वाले हार्मोन को खत्म करेगा। या देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दोनों फीमेल हार्मोन होते हैं, परंतु ये क्या होता है, ये हार्मोन मेल में भी निकलेंगे, लेकिन मेल का जो गोनैड होता है टेस्टिस, वो इन हार्मोन को खत्म कर देगा। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए दोस्तों, कि जब किडनी में ट्यूमर हो जाए, तो जब किडनी में ट्यूमर हो जाएगा तो इन हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा? अनियंत्रित हो जाएगा, ठीक है ना। अगर किडनी में ट्यूमर होता है, गांठ होती है, तो हम कह सकते हैं कि किडनी में गांठ होने पर, किडनी ट्यूमर होने पर, अगर किडनी में ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा, जो ये हार्मोन होते हैं वो अनियंत्रित हो जाएंगे। और कैसे अनियंत्रित होंगे? तो जब किडनी में ट्यूमर होगा तो ये हार्मोन अधिक मात्रा में निकलेंगे, तो इस किडनी में ट्यूमर होने से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कौन कौन सी समस्याएं, अगर समस्याओं की बात की जाए तो दोस्तों, पहला होता है एड्रिनल विरिलिज्म। ये कुछ रोग होते हैं जो उत्पन्न होते हैं किडनी में ट्यूमर होने से। तो अगर एड्रिनल विरिलिज्म होता है तो क्यों होता है, या इसके लक्षण क्या हैं? तो ध्यान देना दोस्तों, फीमेल में जो मेल का हार्मोन होता है, पुरुष हार्मोन कौन सा होता है? एंड्रोजन। तो फीमेल में एंड्रोजन का अधिक स्राव जब हो जाता है तो एड्रिनल विरिलिज्म होता है, और एड्रिनल विरिलिज्म में क्या होगा, महिलाओं में पुरुषों के लक्षण जैसे आवाज का भारी होना, त्वचा का रूखापन, या फिर दाढ़ी मोस, जो मुस्टैच होती है, मुस्टैच और बियर्ड का आना, ये किस में हो जाएगा? ये महिलाओं में हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं, जैसे डीप वॉइस हो सकता है, या दोस्तों बाल्डनेस यानी गंजापन होगा,
और बाल्डनेस गंजापन होने के साथ साथ स्किन रफ हो जाएगी, मुस्टैच और बियर्ड आ जाएगा, दाढ़ी और मूछें आ जाएंगी महिलाओं में। इसको हम कहते हैं एड्रेनल विरिलिज्म दोस्तों, या जो है इससे एक और रोग और होता है जिसको कहते हैं हर्सुटिज्म। ये हर्सुटिज्म क्या होता है, अगर बात करें हर्सुटिज्म की तो हर्सुटिज्म भी एक फीमेल में ही होता है, ठीक है ना, तो यह भी फीमेल में होता है हर्सुटिज्म। अब ये कौन सा रोग है दोस्तों, तो ध्यान देना, यह भी जो है यह भी महिलाओं में होता है फीमेल हार्मोन के बढ़ने से, सॉरी महिलाओं में होता है मेल हार्मोन के बढ़ने से। इसमें क्या होगा, महिलाओं के शरीर पर बाल यानी कि रोम जिसको हम कहते हैं हेयर अधिक हो जाएंगे, यानी बाल क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे दोस्तों। यह भी क्या होता है, फीमेल का ही डिजीज है जो मेल हार्मोन के डिसऑर्डर से होता है, इस बात को ध्यान देना। यानी इन दोनों रोगों में मेल लाइक सिम्टम इन फीमेल, तो हम कह सकते हैं मेल लाइक सिम्टम इन फीमेल, इन दोनों डिजीज में ऐसा होता है मेल लाइक सिम्टम इन फीमेल, यानी कि महिलाओं में पुरुषों के लक्षण दिखाई देते हैं इन दोनों रोगों में। तो ध्यान देना, एक होता है एड्रेनल विरिलिज्म और एक होता है हिर्सुटिज्म। आइए देखते हैं अगला क्या होता है फ्रेंड्स। अगला रोग होता है गाइनोकोमास्टिया। ये गाइनोकोमास्टिया किस में होता है, गाइनोकोमास्टिया होता है पुरुषों में। और ये क्यों होता है, देखिए जब महिलाओं के हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन है, जब पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक हो जाएगा, जब एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव अधिक होगा तो गाइनोकोमास्टिया रोग होगा। तो ध्यान देना, गाइनोकोमास्टिया में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें पुरुषों की पतली आवाज या महिलाओं की तरह चाल ढाल, अस्तन ग्रंथियों का विकास, इसके हम कह सकते हैं फीमेल लाइक सिम्टम इन मेल। क्लियर, यानी महिलाओं के लक्षण पुरुषों में दिखाई देते हैं, आवाज पतली हो जाएगी, चाल ढाल बदल जाएगी, अस्तनों का विकास हो जाएगा। तो ध्यान देना, इसको हम कहते हैं गाइनोकोमास्टिया, कि जब पुरुषों में महिलाओं का हार्मोन बढ़ जाता है। क्लियर, अब इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसके आगे हमारा एक पार्ट और रह गया है और उस पार्ट का नाम है एड्रेनल मेडुला। देखिए अब एड्रेनल मेडुला से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, क्योंकि ये दोस्तों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एड्रेनल मेडुला के भाग पहले कौन कौन से देखिए, तो एड्रेनल मेडुला कि यहां से दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है एड्रेनलिन या इसे कहते हैं एपिनेफ्रिन, और एक का नाम है नार एड्रेनलिन, नार एड्रेनलिन। तो यहां से भी दो हार्मोन निकलते हैं एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन। अगर इन दोनों की बात की जाए तो दोस्तों ये ऐसा हार्मोन है, इन हार्मोन को हम कहते हैं थ्री एफ हार्मोन, इन्हें हम कहते हैं थ्री एफ हार्मोन। इसका मतलब ये फियर, फाइट एंड फ्लाइट, इन्हें कहते हैं फियर फाइट एंड फ्लाइट, ये इनका नाम है। इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पहले हम बात करेंगे एड्रेनल हार्मोन की। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे एड्रेनलिन हार्मोन की। तो ध्यान देना, एड्रेनलिन ऐसा हार्मोन है जो संकट के समय निकलता है, संकट व तनाव, जैसे अगर मान लीजिए किसी मुसीबत में आप पड़ गए हैं तो मुसीबत में क्या होता है, डर लगती, तनाव होता है, तो उस समय यह हार्मोन निकलता है। और अगर बात करें हम नार एड्रेनलिन की, तो यह भी क्या होता है, तनाव की स्थिति निकलता है। लेकिन कौन सा तनाव दोस्तों, अगर मान लीजिए हम किसी मुसीबत में रहेंगे तब भी हमको तनाव होगा, या मान लीजिए अगर हम कहीं व्यायाम कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो उसमें भी वर्कआउट करते हैं तो प्रेशर होता है, तनाव होता है, तो ये हार्मोन निकलता है। यानी दोनों हार्मोन के सिक्रेशन की कंडीशन वही होती है, लेकिन दोस्तों स्थितियां अलग अलग होती हैं। तो ध्यान देना, यह भी संकट के समय निकलता है, तनाव के समय निकलता है,
लेकिन जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तब निकलता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी तो यह भी तनाव की स्थिति में होता है, लेकिन जब हम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं यह मुसीबत में निकलता है, जब हम नॉर्मल में होते हैं। आप देखिए यह संकट के समय क्या करता है, हमें अलर्ट करता है कि अलर्ट हो जाओ संकट आने वाला है। क्या करता है यह, हमें अलर्ट करता है कि अलर्ट हो जाओ संकट आने वाला है, और हृदय के सिस्टोल को यानी बीपी को हाई करता है, हृदय के संकुचन को बढ़ाता है, संकुचन को बढ़ाता है, यह भी इसी का कार्य होता है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना, इसके अतिरिक्त क्या होता है, देखिए एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं गूज फ्लैश। आपने सुना होगा गूज फ्लैश का नाम। गूज फ्लैश का मतलब होता है रोंगटे खड़े होना। तो डर के मारे क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब रोंगटे खड़े होते हैं तो यह क्रिया कौन सा हार्मोन करता है, यह जो है यही हार्मोन करता है, रोंगटे खड़े होना। तो रोंगटे खड़े होना इसी हार्मोन से होता है दोस्तों, और ध्यान देना पुतलियों को फैलाता है, वही हार्मोन है जो पुतलियों को फैलाता है। तो दोनों हार्मोन लगभग वही होते हैं, लेकिन यह हार्मोन संकटकालीन परिस्थिति में निकलता है, और यह ऐसा हार्मोन है जो संकटकालीन परिस्थिति में नहीं बल्कि ये ऐसा हार्मोन है जो नॉर्मल कंडीशन में निकलता है, इस बात का ध्यान देना। और दोस्तों कॉर्टिसोन हार्मोन को हम लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो कॉर्टिसोन हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन। देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर बार बार पढ़ेंगे 10 मिनट का वीडियो 15 मिनट का वीडियो तो दोस्तों कोई मतलब नहीं है। एक बार पढ़िए, ढंग से पढ़िए, और एक ही बार पढ़ करके आप परीक्षा को क्रैक कर लीजिए। मैं इस उद्देश्य से आपको पढ़ा रहा हूं, और ध्यान देना ये क्लासेस पीसीएस प्रीलिम्स और पीसीएस मेंस के उद्देश्य से चलाई जा रही है दोस्तों, इसलिए मैं अपने प्रमोशंस की क्लास में आपको सारे मैटर अवेलेबल करा दे रहा हूं। ठीक है, आप 10 मिनट का क्लास देखेंगे केवल फैक्ट पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। इससे बढ़िया आप एक बार देखिए, बेहतरीन देखिए, बढ़िया देखिए। तो दोस्तों आज जो हमने पढ़ा वो एड्रेनल ग्लैंड खत्म किया। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा जो संस्था में पीसीएस की बैच संचालित है, अगर दोस्तों आपको एडमिशन प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप जरूर फोन करिए और आपको एडमिशन प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।